हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो फ्रेंड्स, इस चैनल पे आप जो वीडियोस देखते हैं वो सभी फार्मासिस्ट, फार्मेसी ऑफिसर, ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सभी वीडियोस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आज के इस वीडियो में भी हम कुछ एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। स्टडी ऑफ एडीएमई ऑफ ड्रग, फार्माकोडायनेमिक्स, टॉक्सिकोलॉजी, फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोलॉजी। क्या होता है एडीएमई का स्टडी? एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। तो ये होता है फार्माकोकाइनेटिक्स, ऑप्शन सी। फार्माकोकाइनेटिक्स होता है स्टडी ऑफ एडीएमई, स्टडी ऑफ मूवमेंट ऑफ ड्रग अक्रॉस द बॉडी। इसमें आता है व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग। देन फार्माकोडायनेमिक्स में आता है व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी। मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन आता है फार्माकोडायनेमिक्स में। टॉक्सिकोलॉजी, एडवर्स इफेक्ट आते हैं। देन दी वर्ड फार्माकोलॉजी इज डिराइव फ्रॉम फार्माकॉन एंड लोगोज। एंड फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी है आर.एन. चोपड़ा, रामनाथ चोपड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्लोरोक्विनोलोन इंडिकेटेड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, अमिकासिन, क्लिंडामाइसिन, वैनकोमाइसिन। यूटीआई में कौन से फ्लोरोक्विनोलोन का यूज करते हैं? तो ये सिप्रोफ्लॉक्सासिन होता है, ऑप्शन ए। ये होता है ड्रग ऑफ चॉइस इन टाइफॉइड फीवर एंड यूटीआई। एंड ये होता है डीएनए गायरेज इनिबिटर। ठीक है, देन कैल्शियम सप्लीमेंट के साथ में इसे अवॉइड करते हैं। क्यों अवॉइड करते हैं? बिकॉज ये इंटरैक्ट करता है विद कैल्शियम एंड कैल्शियम कैन रिड्यूस द एब्जॉर्प्शन ऑफ सिप्रोफ्लॉक्सासिन। ठीक है, वैनकोमाइसिन रेडमैन सिंड्रोम कॉज कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए लेजर कंटेंट्स पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, ऑल। तो लेजर कंटेंट्स पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट ऑल्सो, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एन एसिड रेजिस्टेंट पेनिसिलिन इज, मेथिसिलिन, क्लॉक्सासिलिन, डाइक्लॉक्सासिलिन, पेनिसिलिन वी। एसिड रेजिस्टेंट पेनिसिलिन, तो पेनिसिलिन वी होता है, ऑप्शन डी। यह होता है फिनॉक्सी मिथाइल पेनिसिलिन, ओरली एक्टिव एसिड रेजिस्टेंट पेनिसिलिन होता है ये। देन मेथिसिलिन, क्लॉक्सासिलिन, डाइक्लॉक्सासिलिन, ये होते हैं पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। गवर्नमेंट ओपियम फैक्ट्री इज एट गाजीपुर, इज्जत नगर, लखनऊ, कैलकटा। कहाँ पे है गवर्नमेंट ओपियम फैक्ट्री? तो गाजीपुर में है, ऑप्शन ए। इज्जत नगर में क्या है? इंडियन वेटरिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। लखनऊ में सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। कैलकटा सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, CDL। देन कसौली में क्या है? सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, देन सेंट्रल इंडियन फार्माकोपिया लेबोरेटरी गाजियाबाद में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द मेजर प्लाज्मा प्रोटीन इन्वॉल्व इन ड्रग बाइंडिंग, ग्लोबुलिन, एल्बमिन, ग्लाइकोप्रोटीन, क्रिएटिनिन। मेजर प्लाज्मा प्रोटीन इन्वॉल्व इन ड्रग बाइंडिंग, तो एल्बमिन होता है, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। The grade of very fine powder is 22, 120, 85, 44. Very fine powder. तो हमने देखा था कोर्स पाउडर 10, मॉडरेटली कोर्स 22, मॉडरेटली फाइन 44, फाइन 85, वेरी फाइन 120. क्वेश्चन में पूछा है वेरी फाइन 120 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। कोर्स 10, मॉडरेटली कोर्स 22, मॉडरेटली फाइन 44, फाइन 85, वेरी फाइन 120. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम्पल ऑफ पॉलीवैलेंट वैक्सीन, BCG, डिप्थेरिया, ओरल पोलियो, ऑल ऑफ द अबव। पॉलीवैलेंट वैक्सीन, तो ओरल पोलियो होता है, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये ओरल पोलियो वैक्सीन होता है लाइव एटेनोटेड वैक्सीन। इसमें एक तो आता है सेबिन वैक्सीन, दूसरा होता है सेल्क वैक्सीन। सेबिन होता है लाइव ओरल पोलियो वैक्सीन एंड साल्क होती है किल्ड इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। जोनास साल्क इन्वेंटेड साल्क वैक्सीन एंड अल्बर्ट सेबिन डिस्कवर्ड सेबिन्स वैक्सीन। देन ओरल पोलियो वैक्सीन का स्टोरेज कंडीशन क्या होता है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो ये होता है 0 to 4 डिग्री सेल्सियस। देन ओरल पोलियो वैक्सीन इज स्टार्टेड एट द एज ऑफ, तो ये हो जाएगा 9 मंथ। देन ये BCG वैक्सीन होती है लाइव बैक्टेरियल वैक्सीन, बेसिली कैलमेट ग्वेरिन, इंट्राडर्मली दिया जाता है एंड इट इज़ गिवन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस। ये भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, BCG वैक्सीन। देन डिप्थेरिया के लिए होती है DPT वैक्सीन।
इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इंट्रामस्कुलर दिया जाता है, नंबर ऑफ डोसेज 3 डोसेज। देन एडजुवेंट प्रेजेंट इन डीपीटी वैक्सीन, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो एडजुवेंट प्रेजेंट इन डीपीटी वैक्सीन होता है एल्यूमिनियम फॉस्फेट, ठीक है। ये सभी अभी तक के पूछे हुए क्वेश्चन है वैक्सीन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन सेडेटिव एंजियोलाइटिक, क्लोरप्रोमाजिन, बस्पिरॉन, हाइड्रोक्सीजाइन, अल्प्राजोलम। नॉन सेडेटिव एंजियोलाइटिक, तो ये बस्पिरॉन होता है, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये बस्पिरॉन होता है 5-HT1A रिसेप्टर एगोनिस्ट, एंड केमिकली बस्पिरॉन इज क्लासिफाइड एज अजापिरॉन, एंड ये होता है एन अटिपिकल नॉन सेडेटिव एंजियोलाइटिक। बस्पिरॉन रिलीव्स एंग्जाइटी विदाउट हैविंग एनी CNS इफेक्ट। देन क्लोरप्रोमाजिन होता है फर्स्ट ट्रांक्विलाइजर ऑफ द फिनोथाइजिन ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स, ड्रग दैट इंड्यूसेस पार्किंसोनियन सिंड्रोम, क्लोरप्रोमाजिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्शन ऑफ मॉर्फिन इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट वेगल स्टिमुलेशन, मायोसिस, एंटी इमेटिक, पोस्चरल हाइपोटेंशन। एक्शंस ऑफ मॉर्फिन इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो ये एंटी इमेटिक नहीं होता, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। कौन सा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है मॉर्फिन में, तो फिनांथ्रिन न्यूक्लियस। साइड इफेक्ट्स कॉन्स्टिपेशन, यह होता है नेचुरली ऑकरिंग ओपोइड। देन ओपोइड एनाल्जेसिक यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट पल्मोनरी एडेमा, तो ये भी मॉर्फिन होता है। देन मॉर्फिन पॉइजनिंग में कौन से एंटीडोट का यूज करते हैं, नैलोक्सन का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रोपेन एल्कलॉइड्स कैफीन, पापावेरिन, क्विनाइन, एट्रोपिन। तो ट्रोपेन एल्कलॉइड्स में आता है बेलाडोना, धतूरा, डुबोशिया, कोका। देन आता है हायोसाइमस, स्ट्रेमोनियम, एंड बेलाडोना का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है एट्रोपिन। सो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। बेलाडोना का सिनोनिम डेडली नाइटशेड लीफ। देन ट्रोपेन एल्कलॉइड्स की आइडेंटिफिकेशन टेस्ट विटालिमोरिन टेस्ट। कैफीन क्या होता है, प्यूरिन एल्कलॉइड्स में आता है। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट म्यूरेक्साइड टेस्ट, 137-ट्राईमिथाइल ज़ैंथिन होता है। देन लास्ट ईयर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था मोस्ट कॉमन साइकोस्टिमुलेंट, तो ये भी होता है कैफीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीडोट फॉर मैलाथियन पॉइजनिंग इज प्रोटामाइन सल्फेट, प्रैलिडॉक्सिम, विटामिन के, नैलोरफिन। एंटीडोट फॉर मैलाथियन पॉइजनिंग, तो मैलाथियन पॉइजनिंग ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग होता है, कौन से एंटीडोट का यूज करेंगे, प्रैलिडॉक्सिम, ऑप्शन बी। प्रोटामाइन सल्फेट एंटीडोट फॉर हेपेरिन पॉइजनिंग, विटामिन के, वारफेरिन पॉइजनिंग। देन अभी आप मुझे बताएंगे बेंजोडाइजेपन पॉइजनिंग में कौन से एंटीडोट का यूज़ करेंगे, तो फ्लुमाजेनिल, साइनाइड पॉइजनिंग, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम थियोसल्फेट, आयरन पॉइजनिंग, डेस्फेरोक्सामाइन। देन लेड पॉइजनिंग, डायमरकैप्रोल, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैलेंस शीट डज नॉट कंटेन रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉर्मल अकाउंट, नन। द बैलेंस शीट डज नॉट कंटेन, तो ये होता है नॉर्मल अकाउंट, ऑप्शन सी। द बैलेंस शीट डज नॉट कंटेन्स नॉर्मल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइफ स्पैन ऑफ RBC इज 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज, 120 डेज। लाइफ स्पैन ऑफ RBC इज, तो ये 120 डेज का होता है, ऑप्शन डी। RBCs होती है एरिथ्रोसाइट्स। टोटल RBC काउंट कितना होता है, 4.5 to 6 millions पर क्यूबिक मिलीमीटर। देन RBCs आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो, फिटल लाइफ RBCs आर फॉर्म्ड बाय स्प्लीन। देन एलिवेटेड नंबर ऑफ RBCs, ये होता है पॉलीसाइडेमिया। देन डेवलपमेंट ऑफ RBCs होता है एरिथ्रोपोएसिस, इस प्रोसेस को बोला जाता है एरिथ्रोपोएसिस, एंड एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एरिथ्रोपोएसिस, ये होता है ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन, एंड इट इज सिक्रेटेड फ्रॉम पेरिट्यूबुलर सेल्स ऑफ किडनी, एरिथ्रोपोएटिन। देन लास्ट ईयर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था ए कंडीशन इन विच बोन मैरो फॉर्म्स लार्ज स्ट्रक्चरली एबनॉर्मल एंड इमेच्योर RBCs इज टर्म्ड एज, तो ये होता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। ए कंडीशन इन विच बोन मैरो फॉर्म्स लार्ज स्ट्रक्चरली एबनॉर्मल एंड इमेच्योर RBCs, ठीक है। देन लाइफ स्पैन ऑफ WBCs 12 to 15 डेज, इनका नॉर्मल काउंट कितना होता है, 4 to 11,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर, एंड हाई WBC काउंट, तो इसे बोलते हैं लुकेमिया। लाइफ स्पैन ऑफ प्लेटलेट्स 0 to 11 डेज,
टोटल काउंट 2 to 3.5 lakhs पर क्यूबिक मिलीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एन अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन द सर्फेस ऑफ द टैबलेट इज नोन एज। एन अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर, तो ये मॉडलिंग होता है, ऑप्शन सी। लेमिनेशन, सेपरेशन ऑफ टैबलेट्स इनटू टू और मोर डिस्टिंक्ट लेयर्स। कैपिंग, पार्शियल और कंप्लीट रिमूवल ऑफ टॉप और बॉटम पोर्शन ऑफ द टैबलेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए सलाइन पर्गेटिव इज मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम नाइट्रेट। सलाइन पर्गेटिव, तो ये मैग्नीशियम सल्फेट होता है, ऑप्शन बी। MgSO4 ट्वाइस 7H2O होता है मैग्नीशियम सल्फेट। एंड प्रिंसिपल इंग्रेडिएंट ऑफ इप्सम सॉल्ट होता है मैग्नीशियम सल्फेट। देन अभी आप मुझे बताएंगे सलाइन कैथेटिक यूज्ड इन बेरियम एंड लेड पॉइजनिंग, तो ये भी होता है मैग्नीशियम सल्फेट। एंड मैग्नीशियम सल्फेट इज गिवन पेरेंटरली टू लोअर इंट्राक्रैनियल प्रेशर। ठीक है, एंड व्हेन मैग्नीशियम सल्फाइड इज अप्लाइड टॉपिकली एज ए पोल्टाइज कॉजेस रिडक्शन इन एडेमा। ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रेडियो ओपेक कॉन्ट्रास्ट मीडिया फॉर द एक्सरे एग्जामिनेशन ऑफ GIT इज बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। रेडियो ओपेक कॉन्ट्रास्ट मीडिया फॉर द एक्सरे एग्जामिनेशन ऑफ GIT, तो बेरियम सल्फेट होता है, ऑप्शन बी विल बी अ करेक्ट आंसर। ये भी मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है। मैग्नीशियम सल्फेट अभी हमने देखा, सलाइन पर्गेटिव होता है, इप्सम सॉल्ट होता है, कैल्शियम सल्फेट प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, जिप्सम होता है, CaSO4 हाफ H2O होता है। व्हाट इज बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम क्लोराइड इज यूज्ड इन द लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया इज यूज्ड एज डायफोरेटिक, स्टिमुलेंट, डिसइंफेक्टेंट, डिप्रेसेंट। एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया, तो स्टिमुलेंट होता है, ऑप्शन बी। स्पिरिट्स का डेफिनेशन, अल्कोहलिक और हाइड्रो अल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ वोलेटाइल सब्सटेंसेस। देन डिसइंफेक्टेंट, एजेंट्स दैट किल्स वेजिटेटिव बैक्टीरिया बट नॉट नेसेसरीली स्पोर्स। कौन से शेड्यूल में आते हैं डिसइंफेक्टेंट, तो शेड्यूल ओ में आते हैं। एंड डिसइंफेक्टेंट्स आर अप्लाइड ऑन नॉन लिविंग सर्फेसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइपोथैलेमिक प्रोलैक्टिन रिलीज इनहिबिटरी हार्मोन इज ऑल्सो नोन एज एस्ट्राडियोल, टेस्टोस्टेरोन, डोपामाइन, इंसुलिन। हाइपोथैलेमिक प्रोलैक्टिन रिलीज इनहिबिटरी हार्मोन, तो ये डोपामाइन होता है, ऑप्शन सी। देन इस पे लास्ट ईयर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था, न्यूरोट्रांसमीटर कॉमनली एसोसिएटेड विथ प्लेजर एंड रिवार्ड पाथवेज इन ब्रेन, तो ये भी होता है डोपामाइन। डोपामाइन इज एसोसिएटेड विथ प्लेजर एंड रिवार्ड पाथवेज इन ब्रेन। देन विच न्यूरोट्रांसमीटर इज डेफिशियंट इन इंडिविजुअल्स विथ पार्किंसंस डिसीज, तो ये भी होता है डोपामाइन। ये डोपामाइन होता है डोपामिनर्जिक D1 एंड D2 रिसेप्टर एगोनिस्ट। किस में यूज़ करते हैं इसका, तो कार्डियोजेनिक शॉक, सेप्टिक शॉक, एक्यूट हार्ट फेलियर में। ठीक है, ये एस्ट्राडियोल होता है ईस्ट्रोजन, फीमेल सेक्स हार्मोन होता है, कहाँ से सिक्रिट होता है, ओरिस सिक्रिट करती है। किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड इट हेल्प्स इन रेगुलेटिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। देन इसे यूज करते हैं एज ए हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी इन द ट्रीटमेंट ऑफ मेनोपॉज। टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन होता है, कहाँ से सिक्रेट होता है, लेडिक सेल्स ऑफ टेस्टिस। इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज। इंसुलिन में होते 51 अमाइनो एसिड्स, चेन ए में होते 21, चेन बी में होते 30 अमाइनो एसिड्स। देन इंसुलिन रिसेप्टर कौन सा होता है, तो टायरोसिन प्रोटीन काइनेज रिसेप्टर। ठीक है, ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ ऑयल वाटर एंड गम यूज्ड फॉर प्राइमरी इमल्शन ऑफ फिक्स्ड ऑयल इज, तो फिक्स्ड ऑयल्स के लिए ऑयल वाटर गम का रेशियो 4:2:1, सो ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, फिक्स्ड ऑयल्स में आते हैं कॉड लीवर ऑयल, कैस्टर ऑयल, एलमंड ऑयल। ठीक है, देन मिनरल ऑयल में ये रेशियो होता है 3:2:1, वोलेटाइल ऑयल में ये रेशियो होता है 2:2:1, ओलियोरेजिन में ये रेशियो होता है 1:2:1, ऑयल वाटर गम रेशियो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द सॉल्वेंट यूजुअली यूज्ड इन थ्रोट पेंट्स इज अल्कोहल, सिरप, ग्लिसरिन, कैस्टर ऑयल।
सॉल्वेंट यूजुअली यूज्ड इन थ्रोट पेंट्स, तो ये ग्लिसरीन होता है। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ग्लिसरीन इज यूज्ड एज ए थ्रोट पेंट व्हीकल। क्यों इसे यूज करते हैं? बिकॉज इट हैज कूलिंग इफेक्ट, ये स्वीट होता है, विस्कस इन नेचर होता है, ठीक है। थ्रोट पेंट्स का एग्जाम्पल क्या होता है? मैंडल्स पेंट, ये होता है कंपाउंड आयोडीन पेंट। किस लिए इसे यूज करते हैं? तो टॉन्सिलाइटिस, फेरिंजाइटिस में यूज करते हैं थ्रोट पेंट्स का, ठीक है। ये थ्रोट पेंट होता है विस्कस लिक्विड प्रिपरेशन यूज फॉर माउथ एंड थ्रोट इन्फेक्शन लाइक टॉन्सिलाइटिस, फेरिंजाइटिस, ठीक है। सिरप होते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशंस ऑफ सुक्रोज इन वाटर। सिरप में आता है सिंपल सिरप, मेडिकेटेड सिरप, फ्लेवर्ड सिरप, ठीक है। देन लास्ट ईयर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सिरप मस्ट बी, कितनी होनी चाहिए स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सिरप्स? तो ये होती है 1.313, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिबुट्रामाइन इज इंडिकेटेड फॉर स्मोकिंग सेसेशन, ओबेसिटी, सीवियर वेट लॉस, मेनिया। सिबुट्रामाइन, तो ये सिबुट्रामाइन होता है एनोरेक्टिक एजेंट विच कॉजेस वेट लॉस इन ओबेज पर्सन, सो ओबेसिटी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। अभी आप मुझे बताएंगे स्मोकिंग सेसेशन में किसका यूज करते हैं? ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो ये होता है बुप्रोपियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैटिन वर्ड फॉर हाफ इज SSSOSADTID, हाफ, तो हाफ होता है सेमी, SS, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। व्हाट इज SOS? सी ओपोजिट व्हेन नेसेसरी, एड अप टू, TID, टर इन डाई थ्री टाइम्स ए डे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज द फंक्शन ऑफ मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, एरिथ्रोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो एरिथ्रोसाइट्स का फंक्शन होता है, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। एरिथ्रोसाइट्स होते हैं RBCs, अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में सब डिस्कस किया था। RBCs का टोटल काउंट 4.5 to 6 million पर क्यूबिक मिलीमीटर, लाइफ स्पैन होता है 120 days। RBCs आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो एंड फीटल लाइफ RBCs आर फाउंड बाय स्प्लीन। एलिवेटेड नंबर ऑफ RBCs पॉलीसाइडेमिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सब्सटेंस दैट एक्टिवेट द रिसेप्टर इट बाइंड्स इज लिगेंड, बोथ लिगेंड एंड एगोनिस्ट, मॉड्यूलेटर, एगोनिस्ट। ए सब्सटेंस दैट एक्टिवेट द रिसेप्टर इट बाइंड्स इज, तो इसे एगोनिस्ट बोला जाता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयाट्रोजेनिक डिसीज मीन्स ड्रग इंड्यूस्ड डिसीज, सिस्टेमिक इन्फेक्शंस, फिजिशियन इंड्यूस्ड डिसीज, कॉन्टेजियस डिसीज। क्या होता है आयाट्रोजेनिक डिसीज? तो डिसीज कॉज्ड बाय मेडिकल ट्रीटमेंट और बाय डॉक्टर, फिजिशियन इंड्यूस्ड डिसीज होता है आयाट्रोजेनिक डिसीज, ऑप्शन सी। ड्रग इंड्यूस्ड डिसीजेस के एग्जांपल्स कौन से होते हैं? नौशिया, वोमिटिंग, एनीमिया, हेयर लॉस। कॉन्टेजियस डिसीजेस, स्केबीज, हेपेटाइटिस ए, ये हेपेटाइटिस ए होता है हाईली कॉन्टेजियस लीवर इन्फेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीसाइबोस मीन्स 2 times a day बिफोर मील्स, एट बेड टाइम, आफ्टर मील्स। एंटीसाइबोस बिफोर मील्स, ऑप्शन बी। पोस्ट साइबोस आफ्टर मील्स, एट बेड टाइम, होरा सोमनी, 2 times a day, BID, BCNDI, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सब्सटेंस यूज टू इंक्रीज द वेट ऑफ द टैबलेट इज कॉल्ड एक्सिपिएंट, डिसइंटीग्रेंट, लुब्रिकेंट, डायलुएंट। सब्सटेंस यूज टू इंक्रीज द वेट ऑफ द टैबलेट, तो ये डायलुएंट्स होते हैं, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। डायलुएंट होता है बल्क फॉर्मिंग एजेंट, फिलर्स डिजाइन टू मेकअप द रिक्वायर्ड बल्क ऑफ टैबलेट होते हैं डायलुएंट्स। कॉमनली यूज डायलुएंट लैक्टोज, आइडियल डायलुएंट फॉर कंप्रेस्ड वजनल टैबलेट्स लैक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट्रोपिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पल्मोनरी इम्बोलिज्म, डिजिटलिस टॉक्सिसिटी, इरिडोसाइक्लिटिस, रेज्ड इंट्राओक्युलर टेंशन। किसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है एट्रोपिन? तो बहुत बार हमने डिस्कस किया हुआ है, ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है इन रेस्ट इंट्राओक्युलर टेंशन। एट्रोपिन होता है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स के नेचुरल एल्केलॉइड क्लास में आता है। ड्रग यूज टू ट्रीट AV ब्लॉक, एट्रोपिन। ड्रग विच इज इफेक्टिव इन मशरूम पॉइजनिंग, एट्रोपिन। या एट्रोपिन होता है ईस्टर ऑफ ट्रोपिन एंड ट्रॉपिक एसिड। देन ड्रग यूज फॉर रेटिनोस्कोपी इन चिल्ड्रन बिलो 5 years, तो ये भी होता है एट्रोपिन। एट्रोपिन 1% ऑइंटमेंट का यूज करते हैं फॉर रेटिनोस्कोपी इन चिल्ड्रन बिलो 5 years,
ठीक है, ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एट्रोपिन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए लिक्विड एल्कलॉइड, निकोटिन, स्ट्रिचनिन, क्विनाइन, कोल्चिसिन। लिक्विड एल्कलॉइड, तो ये निकोटिन होता है ऑप्शन ए। देन इनमें से कौन सा होता है ड्रग ऑफ चॉइस इन सेरिब्रल मलेरिया, तो एक क्विनाइन होता है। किससे डिराइव किया जाता है क्विनाइन को, तो इट इज़ डिराइव फ्रॉम सिंकोना। सिंकोना आता है क्विनोलिन एल्कलॉइड्स में, इसकी फैमिली होती है रूबियासी। ये कोल्चिसिन होता है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कोल्चिकम। कोल्चिकम होता है अमाइनो एल्कलॉइड, इसकी फैमिली होती है लिलियासी। किसमें यूज करते हैं कोल्चिसिन का, तो एक्यूट गाउट में, एंड पॉलीप्लॉइडी इज कॉज्ड बाय कोल्चिसिन। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।